हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के पास स्किन के रेजिमेन रूटीन लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की इससे रिलेटेड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्किन के रूटीन के बारे में बताऊंगी, और कुछ ऐसी हमारी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोई भी यूज़ करता है उसको अच्छा ही रिजल्ट उससे मिलता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में साथ। अच्छा गाइस, जो हमारे पास पहली प्रोडक्ट है, हम उसको एज एन ऑयल क्लिंजर भी यूज़ करते हैं, और हम ये स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मिस्टीन की ऑयल क्लिंजर है स्लैश मेकअप रिमूवर। आप बेसिकली पूरा दिन मेकअप फेस पे लगा के रखते हैं, तो जब आप रात को सिर्फ साबुन से मुँह धोते हैं या फोम क्लिंजर से, तो वो उस टाइम उतर जानी है। हमेशा सबसे पहले आपको ऑयल क्लिंजिंग करनी चाहिए। ऑयल क्लिंजिंग से क्या होगा, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल है, जिसकी वजह से आपके फर्दर एक्ने फॉर्मेशन नहीं होगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी। तो उसके लिए हम आपके लिए ये वाला ऑयल क्लेंजर लेकर आए हैं मिस्टीन का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ऑयल क्लेंजिंग के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फोम क्लेंजिंग का। फोम क्लेंजिंग के लिए मैं सुगर आप सबको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट कभी भी नहीं आया किसी के भी सामने। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी नेचर रिपब्लिक का एलो फोम क्लेंजर। हम सबको पता है कि एलोवेरा वैसे ही स्किन के लिए बहुत सूदिंग है, तो जब आप फोम क्लेंजिंग करें तो एलोवेरा आपकी स्किन को वैसे ही नरिश कर रहा है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। अब फोम क्लेंजिंग जब हम कर लेते हैं तो वंस और ट्वाइस अ वीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, क्योंकि व्हाट हैपेंस जब आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है तो डेड स्किन लेयर रिमूव होती है, और जब आपकी डेड स्किन लेयर रिमूव होती है तो आप जो बाकी चीज़ें अपनी स्किन पे लगाते हैं, टोनर, सीरम, क्रीम्स, वो 20% ज़्यादा आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब करती है और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ ब्यूटी बफे का वाइटनिंग फेशियल स्क्रब। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने फेशियल स्क्रब लेके, बेसिकली ये एक्सफोलिएटर है, आपने इसको लेके अपने फेस पे एक्सफोलिएट करना है वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, आफ्टर एवरी टू वीक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, ठीक है। नाउ आफ्टर एक्सफोलिएशन आप अपनी स्किन को पैट ड्राई करें। जब आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस वक्त मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ वीसी का टोनर। बेसिकली वीसी का टोनर मुझे क्यों पसंद है इतना ज़्यादा, और मैं इस वक्त ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, मौसम चेंज हो रहा है, आपकी स्किन एकदम से ड्राई आउट हो रही है, और काफ़ी लोग जिनकी पहले ऑयली स्किन थी, इन कॉम्बिनेशन स्किन थी, वो भी अब ड्राई होने लगी है, फोरहेड्स पे लाइन आने लग गई हैं। तो लेट मी टेल यू, उन सब चीज़ों का सलूशन इसके अंदर है। वीसी टोनर के अंदर ऑरेंज फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी अनइवन स्किन को इवन आउट कर रहा है, नंबर वन, और उसके साथ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी दे रहा है। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है उसको सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा उससे। दूसरा इसके अंदर है सोडियम हाइलुरोनेट। सोडियम हाइलुरोनेट क्या करता है, आपकी स्किन को रिजेनरेट करता है। जब आपकी स्किन रिजेनरेट होती है वो एंटी एजिंग साइड पे जाती है और आपकी स्किन सॉफ्ट और प्लम्पी हो जाती है। सेकेंडली उसके अलावा आपके पास इसके अंदर क्या है, कॉमन वीट एक्सट्रैक्ट जो कि कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट की तरफ लेके जाता है, और इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड और ग्लिसरीन भी है। ग्लिसरीन क्या करती है कि वो एज अ ह्यूमेक्टेंट एक्ट कर रही है। ह्यूमेक्टेंट क्या है कि वो आपके जो मॉइस्चर है स्किन का उसको ट्रैप कर देता है, और इससे आपकी स्किन काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज रहती है। तो अगर आपने इसको ट्राई करना है, आप एम्पोरियम आके इसको खुद एज अ टेस्टर हमारे पास पड़े उसको ट्राई भी कर सकते हैं। जब आप टोनर लगा लेते हैं यू हैव टू वेट फॉर लाइक 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स जो नेक्स्ट स्टेप हमने फॉलो करना है वो है सीरम का या फेस इमल्शन का या फेस लोशन का। इस वक्त पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो द थेरेपी का एंटी एजिंग सीरम है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपकी स्किन की सेल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी, कॉलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, तो एंटी एजिंग साइड पे जाएगा, एंटी रिंकलिंग साइड पे जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपकी स्किन को बहुत स्मूथ, सॉफ्ट और ना बहुत ही प्लम्पी इफेक्ट देके जाएगा, जिससे बहुत ही आपकी स्किन ना यंग लुक देगी। सेकेंडली आफ्टर सीरम हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है शीट मास्क का। शीट मास्क के लिए हमारे पास इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे पास अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ पापा रेसिपी का बॉम्बे ब्लैक हनी शीट मास्क यूज़ कर लें आप।
आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लैक है, इसकी शीट का कलर भी ब्लैक होगा, उससे आप परेशान ना होइएगा। बेसिकली इसके अंदर प्रोपोलिस है और मैनुका हनी है। अगर आप लोगों को पता हो तो हनी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोई छोटी मक्खी का शहद, कोई बड़ी मक्खी का शहद, इस तरह करके हम लोगों ने उसको अपने मुल्क में डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जो सबसे खालिस शहद है साउथ कोरिया में, उसको वो मैनुका हनी बोलते हैं। मैनुका हनी और प्रोपोलिस जो है, आपको पता होगा जो शहद की मक्खियों ने उनके होते हैं छोटे छोटे से शहद के छत्ते, उसके अंदर जो उन्होंने शहद बना के जिसको कवर किया होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोलिस। प्रोपोलिस आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल साइड पे जाता है, आपकी स्किन को जरासीम से बचाता है। तो जब आप ये मास्क यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, एक्ने फॉर्मेशन कम हो जाती है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो ये उसको भी अच्छा इफेक्ट देगा और आपकी एक्ने को फर्दर बनने से भी रोकेगा। ठीक है, आपने इसको वंस अ वीक यूज़ करना, इट्स नॉट मोर देन दैट। दूसरा आपके पास आता है जेजुन का रोज़ ब्लॉसम मास्क। रोज़ का सबको पता है कि रोज़ गुलाब का अरक हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली उन्होंने इसके रोज़ के एक्सट्रैक्ट्स इसमें से निकाले हैं। रोज़ के एक्सट्रैक्ट से इसमें जो हमको फ़ायदा मिल रहा है वो ये है कि ये डर्मेटाइटिस को भी बचा रहा है, आपकी स्किन को डर्मेटाइटिस से बचा रहा है, आपकी स्किन को एक्जीमा से बचा रहा है, जो कि सर्दियों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है मेजॉरिटी लड़कियों की। ठीक है, उसके साथ आपके जो पोर के अंदर डस्ट है ये उसको भी रिमूव कर रहा है। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे इसके साथ आपको ग्लोइंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी साथ मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास आई क्रीम का। इस वक्त मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है AHC की अल्टीमेट रियल आई क्रीम फॉर फेस। जब आप अपना शीट मास्क लगा लेते हैं 20 मिनट्स तक, उसके बाद अपनी शीट मास्क का जो सीरम या एसेंस है उसको आपने स्किन पे एब्जॉर्ब होने देना है। वंस इट इज़ एब्जॉर्ब, आपने फिर क्या करना है, आपने आई क्रीम लगानी है। अब देयर आर डिफरेंट रीजंस आप आई क्रीम यूज़ करते हो, किसी के डार्क सर्कल्स का इशू है, किसी की लाइन्स पड़ रही हैं, किसी की पफीनेस है, देन डोंट वरी, ये सब चीज़ों को कवर अप कर रहा है। इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड भी है जो कि आपको वाइटनिंग इफेक्ट पे देगा, आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगा, प्लस इसके अंदर सोडियम हाइलुरोनेट है जो कि आपको एंटी एजिंग साइड पर लेके जाएगा। तो ऑल इन वन क्रीम है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। उसके बाद हमारे पास आती है विटामिन सी क्रीम, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है तो इसको इवन आउट करेगी, प्लस आपको ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट भी देगी। इसके अंदर एलेंटोइन भी है और प्लस उसके साथ इसके अंदर उन्होंने सोडियम हाइलुरोनेट भी डाला हुआ है और कॉलेजन भी एडेड है। सो बेसिकली एंटी एजिंग साइड पे भी जा रही है और ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट भी दे रही है। अगर आपकी स्किन पीएच सेंसिटिव है और आप विटामिन सी नहीं यूज़ कर सकते, इट्स कम्प्लीटली फाइन, परेशान ना होइए। और अगर आपको अनइवननेस का इशू आ रहा है, हमारे पास एक और बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जिसका नाम है नमो लाइफ की स्नेल वाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। बेसिकली ये क्रीम क्या करती है, इसका टेक्सचर मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। सर्दियां आ रही हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होनी है, आप देख सकते हैं कि अ लिटिल गोज लॉन्ग वे, आपने थोड़ा सा लगाना है और आपका फुल फेस कवर हो जाएगा उससे, आपका फुल फेस उससे कवर हो जाएगा। जो इसके अंदर खासियत है वो मैं आपको बताती हूँ। नमो लाइफ की स्नेल वाइट क्रीम आपके लिए क्या कर रही है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अंदर है स्नेल म्यूसिन, नायासिनामाइड, ग्लिसरीन। अब मैं आपको थोड़ा सा ना स्नेल म्यूसिन के बारे में बताती हूँ। स्नेल म्यूसिन क्या कर रहा है, स्नेल म्यूसिन आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, प्लस सदियों से वहाँ की औरतें जो हैं साउथ कोरिया की, वो स्नेल म्यूसिन को इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने अपनी स्किन केयर रूटीन का बना के रखा है। क्यों? क्योंकि स्नेल म्यूसिन कंटेन करता है कॉपर पेप्टाइड। कॉपर पेप्टाइड कॉलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को आपकी स्किन में नेचुरली इन्हांस करता है। जब आपकी इन्हांसमेंट होती है कॉलेजन और इलास्टिन की, आपकी स्किन यंगर लुकिंग इफेक्ट देती है और आपका ब्राइटनिंग और ग्लोइंग इफेक्ट भी साथ ही आ जाता है। सेकेंडली इसके अंदर ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन क्या कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, ह्यूमेक्टिन की तरह एक्ट करती है। ह्यूमेक्टिन क्या कर रहा है कि मॉइस्चर को ट्रैप कर देता है स्किन में, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ और मॉइस्चराइज रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा आखिरी स्टेप है स्किन केयर रूटीन का, वो आता है सन ब्लॉक क्रीम। सनस्क्रीन में हमारे पास इस वक्त दो ऑप्शन है। एक, अगर आपकी स्किन ज़रा ऑयली है और पसीना बहुत आ रहा है और आपको होता है कि हमारे फेस पे कोई भी सनस्क्रीन नहीं तैरती और हमें वाइटनिंग इफेक्ट नहीं दे रही,
तो डोंट वरी, हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्टीन की स्नो फ्रोजन वाइटनिंग सनस्क्रीन. इसके अंदर SPF 50 है प्लस इट ऑल्सो कंटेन्स PA प्लस 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 विच मीन्स कि ये UVA एंड UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट कर रही है आपकी स्किन को. आपने इसको यूज़ करना है 15 मिनट पहले बाहर निकलने से धूप में, और आपने इसको हर घंटे दो घंटे बाद अपनी स्किन पे रीअप्लाई करना है. एंड इट इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ, सो डोंट वरी अबाउट इट. सेकेंडली जो हमारे पास लास्ट, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है और आपको कोई सनस्क्रीन नहीं सूट करती, देन डोंट वरी, हम आपके लिए लेकर आए HC की मॉइस्ट सनस्क्रीन. आप इसको लगाएंगे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, प्लस वो आपको सन प्रोटेक्शन भी देगी, एंड इट इज़ ऑल्सो UVA एंड UVB प्रोटेक्टेड. ओके गाइज, आई रियली डू होप आप लोगों ने आज फिर ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा. मैं अगले एपिसोड्स में आपके लिए कुछ फन फैक्ट्स भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको सर्टेन इन्ग्रीडियंट्स के बारे में कुछ बहुत मज़े की बातें भी बताऊँगी. आप लोग अगर चाहें अपना सेशन बुक कराना है, www.adore.pk पे जाके अपना सेशन बुक कराइए मेरे साथ. आपने अगर इन प्रोडक्ट्स में से कुछ ऑर्डर करना है, आप उसी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं. और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स पे जाइएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. एंड अंटिल देन, यू डिज़र्व द बेस्ट.